पहली बार मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अद्भुत। जजेस, आप क्या कहना चाहेंगे झनक की इस परफॉर्मेंस के लिए? हमें कुछ नहीं कहना है। कुछ बोलने के लिए उसके मुकाबले का परफॉर्मेंस होना भी तो जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस ही ऐसा हो तो आदित्य सर आप? वेल यस, आई डू एग्री विद देम। जो भी इन लोगों ने कहा वो सही है। ये कुछ बोलने लायक परफॉर्मेंस थी नहीं। क्योंकि झनक ने हम सबकी बोलती बंद कर दी है। और अब झनक को जजेस भी खुद खड़े होकर उसे उसकी परफॉर्मेंस का असली तोहफा देते हैं। और वाकई में आज झनक की खुशी की कोई सीमा नहीं। और रूद्र प्रताप की तो जैसे विजय हो गई हो ये सुनकर, क्योंकि ब्रिजभूषण का तो होश उड़ गया है जजेस का ये फैसला सुनकर। और कई लोगों की भी बोलती बंद हो गई है आज। पर आदित्य आज बेहद खुश है और तालियां तो थमती ही नहीं जहां झनक का आज वो मंच खुद का है। You are mind blowing, absolutely rocking. Stop it अभिजीत। झनक, हमने कल जो कुछ भी कहा हम अपने शब्द वापस लेते हैं। कल जिसने भी तुम्हारी काबिलियत पर डाउट किया, तुम्हारे टैलेंट के ऊपर शक किया, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लानत है उन सब पर। रुद्र, यू आर द बेस्ट। आज भी इस बिजनेस के तुम चैंपियन हो। रियल टैलेंट को परखना तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और अपने गुरु की तारीफ सुनकर झनक सबसे ज्यादा खुश है। एक बच्ची की तरह स्टेज पर झूम उठती है वो। और रुद्र के लिए भी आज हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि वो कितने सम्मानित हैं। पर रुद्र ये श्रेय भी झनक को ही देते हैं। झनक, यू आर द बेस्ट, सो प्राउड ऑफ यू। इस बार तो बच गई तुम, मगर आगे जो आने वाला है वो सिर्फ आंधी या तूफान नहीं है, तबाही है तुम्हारी। और वहीं पर अब झनक जैसे कि सुन लेती है ब्रिजभूषण की मन की आवाज और उसकी मुस्कुराहट चली जाती है चेहरे पर से, क्योंकि वाकई में तूफान तो पहुंच रहा है कोलकाता से मुंबई तक। आइए मैम, प्लीज आइए। वो रहे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। नमस्ते। आ गई तुम? कैसे हैं आप? सब ठीक। तुम याद है ना वो लड़की है यहाँ पर? हेलो। हाँ सृष्टि, एक खबर देने के लिए फोन किया है तुम्हें। वो लड़की है ना झनक, वो शो के सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। क्या? हमने सोचा था कि तुम्हें ना बताकर हम उससे खुद ही निपट लेंगे, लेकिन वो लड़की बहुत ही शातिर और चालाक निकली। और कमाल की बात तो यह है कि इस बार उसने आदित्य कपूर को अपनी ढाल बना लिया है। मुझे तो सब कुछ याद है गुरुजी, लेकिन हाँ, मैंने अर्शी को अभी तक कुछ भी बताया नहीं है। आप जानते हैं ना, वो तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। और वहीं अब अनी और अर्शी एक साथ आते हैं। अर्शी, यू फीलिंग ओके? या। गुरुजी, अर्शी, गुरुजी, इस लेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सच लिखा हुआ है कि आपके और उर्वशी मासी के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन झनक इसके बारे में नहीं जानती है और आप भी यही चाहेंगे कि उसे कभी इस बारे में पता ना चले। तो भला इसी में कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। पर आज पहली बार बृजभूषण किसी को देखकर घबराया है। उसका पोथी अन्नी के हाथों में है, पर वहीं झनक अनजान है ये सबसे। झनक, हमने जो बात की थी वो सब याद है ना तुम्हें? जी गुरुजी। लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए एक बार फिर से करते हैं। सोचो कि मैं झनक हूँ और तुम गुरुजी, ठीक है? गुरुजी? अरे क्या गुरुजी, चलो स्टार्ट करो। अब झनक, देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते, जलते हैं तुमसे, लेकिन ये बात याद रखना, ये दुश्मनी पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है। इसलिए दुखी मत होना, बुरा मत फील करना। जीतेगा वही जो आखिर तक टिकेगा। और ये क्वालिटीज मुझे तुम में दिखती हैं झनक। तुम जीत सकती हो, ये टैलेंट है तुम में। एग्जैक्टली। अब जो तुमने अपने शब्दों में झनक से कहा, इसे भूलना मत। और यही प्यारी सी बॉन्डिंग है रुद्र और झनक के बीच। मैं स्टेज पर तुम्हारे सामने ही बैठा रहूंगा और तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस देखूंगा, और मुझे खुद पर फक्र होगा कि तुम्हारी इस कामयाबी में मेरा भी छोटा सा हाथ है। अब बस इस परफॉर्मेंस पे फुल फोकस करो, क्योंकि ये राउंड क्लियर होने के बाद तुम्हें फाइनल्स में जाना है, और सिर्फ जाना नहीं, जीतना भी है। झनक, मैं दिल से चाहता हूँ जब तुम यहाँ से जाओ तुम्हारे सर पर विनर का ताज हो। और अब झनक लेती है अपने गुरु की आशीर्वाद। उनके कृपा से ही आज वो यहाँ तक पहुँची है। गुरुजी, आपका बहुत बड़ा योगदान है, इतना बड़ा योगदान कि मेरे पास शब्द नहीं अभी बयां करने के लिए, लेकिन शायद कभी तो होंगे और तब आप समझेंगे कि कितनी इज्जत करती हूँ मैं आपकी। निस्वार्थ बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए गुरुजी, थैंक यू। ठीक है झनक, अब तुम जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। जी गुरुजी। और रुद्र प्रताप देखते हैं अपनी सबसे प्यारी शिष्या को अपनी जीत की ओर बढ़ते हुए। पर क्या झनक को पता नहीं चलेगा कि जिन्हें वो पीछे छोड़कर आई है वो वहां भी पहुंच गए हैं। देखते रहिए झनक का आगे क्या रिएक्शन होगा जब ये खबर उसे मिलेगी, और कैसे, ये हम आपको बताएंगे यही कंप्लीट बॉलीवुड की सारी अपडेट्स में झनक की।